नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की रिजल्ट जारी कर दी गई है और बिहार, खासकर आपको बताएं कि पटना के बीएसईबी ऑफिस में से ये रिजल्ट जारी की गई, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर और बीएसईबी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये रिजल्ट जो है वो जारी किया। इस बार फिर हर साल की तरह लड़कियों ने अपनी बाजी मारी है और सबसे ज़्यादा लड़कियां टॉपर्स बनी हैं। साइंस सेक्शन की बात करें तो साइंस सेक्शन में जो है वो भी एक लड़की ही टॉपर बनी है, आर्ट्स में भी लड़की टॉपर बनी है और इतना ही नहीं कॉमर्स तक सेक्शन में भी लड़की ही टॉपर बनी है। अगर आर्ट्स सेक्शन की बात करें तो आर्ट्स से आपको बताया पूर्णिया जिले की रहने वाली मोहदेशा ने आर्ट्स सेक्शन में बिहार बोर्ड में टॉप किया है। दरअसल मोहदेशा कहाँ की रहने वाली हैं, इनके माता पिता कितने खुश हैं, इतना ही नहीं इनके परिवारजन के परिवार में रहने वाले जितने लोग हैं, गांव के जितने लोग हैं वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और देखिए उनके परिवार से मिलने आ रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं और सबकी खुशी जो है वो झलकते दिख रही है। पूर्णिया के सुदूर ग्रामीण इलाके अमौर प्रखंड के डुहवा बारी पंचायत के नहराकोल गांव की छात्रा मोहदेशा इंटर की परीक्षा में पूरे सूबे में टॉप की हैं। मोहदेशा मॉडल उच्च विद्यालय बायसी की छात्रा है। मोहदेशा की इस सफलता से न सिर्फ उनके परिजन बल्कि इस स्कूल में और आसपास के इलाके भी के लोग जो है वो भी काफ़ी खुश हैं। मोहदेशा के अलावे आपको बताएं उच्च विद्यालय कुमारी की छात्रा प्रज्ञा कुमारी भी बिहार में दूसरे स्थान पर आई हैं। मोहदेशा ने कहा कि उनका सपना है कि वे आगे बढ़कर आईएएस ऑफिसर बने, इसके लिए वह लगातार पढ़ाई करती हैं, सेल्फ स्टडी पर वो काफी ध्यान देती हैं, अपनी सफलता के पीछे वो अपने माता पिता और शिक्षक को श्रेय देती हैं। वहीं मोहदेशा के पिता जुनैद आलम ने कहा कि मोहदेशा बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थी, उनका गांव काफी पिछड़ा है, नदी कटाव से वे लोग पीड़ित हैं, अपने बेटे बेटी की पढ़ाई के लिए वे लोग बायसी में रहने लगे और आज काफी खुशी है कि उनकी बेटी स्टेट टॉपर बनी है। वहीं मोहदेशा की मां रजिया बेगम कहती हैं कि यह इलाका शिक्षा के मामले में काफी पीछे है, इसके बावजूद उनकी बेटी स्टेट टॉपर बनी जो बड़ी खुशी की बात है, आगे यह जो करना चाहेगी उसमें वो लोग काफी सहयोग करेंगे। आपको बताएं मोहदेशा के स्कूल के प्रिंसिपल भी काफी खुश हैं, वो कहते हैं कि वह बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज और तरार थी, स्कूल में भी हाजिर जवाबी थी। तो देखिए पूर्णिया के रहने वाली मोहदेशा जो हैं वो आर्ट सेक्शन से स्टेट टॉपर बनी हुई हैं और उनके माता पिता कितने खुश हैं। देखिए उनकी माँ का कहना है कि मोहदेशा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तरार थी और बचपन से इसका पढ़ने में मन लगा करता था, आगे अपने भविष्य में वो जो भी करना चाहेगी उसके लिए हम लोग काफ़ी सहयोग करेंगे। मोहदेशा आगे चलकर भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। देखिए किस तरह से उनकी माँ, उनके पिता और इतना ही नहीं स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी अपनी खुशियाँ जो है वो बांटते नजर आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और पूरा परिवार ही नहीं पूरा गांव मोहदेशा के इस कामयाबी के लिए काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। क्या कुछ उनके माता पिता, उनके प्रिंसिपल कह रहे हैं, खुद मोहदेशा जो है वो क्या कह रही हैं, भविष्य में वो क्या करना चाहती हैं, कैसे उन्होंने पढ़ाई की और क्या उनकी पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी रही, ये सारी बातें मोहदेशा ने खुद बताई है। आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। मेरा नाम मोहदेशा है, मैं राज्य के दुष्ट माध्यमिक विद्यालय बायसी पूर्णिया की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद जुनेद आलम है, मेरी माता का नाम रजिया बेगम है। मैं डोहाबारी पंचायत के नहराकोल गांव से आती हूँ, जो एक नदी कटाव क्षेत्र है। नदी कटाव क्षेत्र होने के कारण मैं बायसी में ही रहकर अपनी पढ़ाई की हूँ। अभी टॉपर हुई है जी, कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है मुझे। ये स्कूल की पढ़ाई से टॉप हुई है या एक्स्ट्रा कुछ क्लासेज ले रही हैं जी? मैं सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग भी लेती और स्कूल भी अपना एक काफ़ी सुदूर ग्रामीण इलाके से आप आती हैं और अभी स्टेट टॉपर बनी जी, इसके लिए मतलब किनको श्रेय देना चाहेंगे, उन आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे जी? मेरे पेरेंट्स, मेरे शिक्षक और मेरे छोटे भाई बहन भी थे इसमें। आगे क्या करना चाहते हैं? मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जो अभी परीक्षा की तैयारी कर रही है उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए जी? मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि अगर मेहनत आदत बन जाए ना तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, हमें लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी। इस रिजल्ट के पीछे क्या क्या रहा आपके सफलता के पीछे क्या जी? मेरी सफलता के पीछे मेरा सबसे बड़ा योगदान मेरी सेल्फ स्टडी का रहा। कितने घंटे पढ़ती थी? 6 घंटे। क्या नाम है?
महोदिसा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी ने बेटे का फर्ज निभा दिया। समाज में जो कुरीति है उसके हिसाब से लड़कियों को पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण वो किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन मैंने अपनी बेटियों के साथ उन पर कुछ थोपा नहीं, उनको कहा कि तुमको जो अच्छा लग रहा हो तुम वैसा ही करो, बाकी मेरा पूरा समर्थन तन मन धन से उन लोगों के साथ हो। तुम ही मेरे लिए बेटा हो और बेटी हो। इस सफलता के पीछे क्या कहेंगे? इस सफलता के पीछे इनका अपना जो स्वाध्याय है और पढ़ाई के प्रति लगन, यानी ये स्थिति थी इनकी कि खाने के लिए 10 बार खाना तैयार रहता था लगा हुआ, लेकिन 10 बार 20 बार कहना पड़ता था तब खाने के लिए आती थी। यानी बचपन से ही पढ़ाई के प्रति इनका बहुत लगाव रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद जुनेद आलम। आपके स्कूल की बच्ची स्टेट टॉपर की जी, कितने गौरव के? बहुत गौरव की बात है, हमारे विद्यालय के परिवार के लिए आज बहुत खुशी का अवसर है और सबों का जो मेहनत था वो कामयाब हुआ। शुरू से पढ़ाई में कैसी रही? शुरू से अच्छी थी पढ़ाई में। उम्मीद था कि जी जी हम लोग बिल्कुल उम्मीद थी कि ये सफल करेगी। ये इलाका जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है जी जी, और यहाँ से एक टॉपर भी। ये तो गौरव की बात है कि इतना पिछड़ा हुआ होने के बावजूद भी हम लोगों ने इतना मेहनत किया, इसका माँ बाप भी ने पढ़ाई पर बच्चों के लिए हर कोशिश की है, समय भी दिए, सारा चीज़ किए, बच्ची भी मेहनत की, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। क्या नाम? मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम जी। हाँ,